अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद मुश्ताक आप हज़रात की खिदमत में आज फिर से हाजिर है। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स के आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में फिर एक नया नुस्खा लाया हूँ आपके लिए, आपकी सेहत के लिए और आपकी तमाम तर गुप्त रोगों की कमज़ोरी दूर करने के लिए। सूरत इंजाल, इंतशार, जरियान, इतलाम कसरत से होना, उसके लिए बहुत ही मुजर्रम नुस्खा है। नुस्खा कौन सा है व्यूअर, सारी जानकारी आपको देने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अब तक के आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियोस की अपडेट आपको फौरी मिल जाए। तो करना क्या है व्यूअर्स, आपको लेना है सबसे पहले इसमें मूचरस आपको लेना है 50 ग्राम, और उसके बाद में फिर गोंद कीकर जिसको बबूल का गोंद कहते हैं, चिकट आता है, ये भी आपको 50 ग्राम लेना है। दोनों इंग्रेडिएंट्स आपने 50-50 ग्राम लेके पाउडर बना लेना है। फिर हम वज़न इसके 100 ग्राम आपको धागे वाली मिश्री का पाउडर, इसमें हसबे जायका मीठा करने के लिए, इसकी तासीर को मुतदिल बनाने के लिए आपको 100 ग्राम इसमें धागे वाली मिश्री भी ऐड कर देनी है। ये आपका जो है टोटल 200 ग्राम सफ़ूफ बनकर तैयार हो गया। किसी टाइट जार में इसको महफूज कर दें। अब मकदार ख़ुराक और इसका तरीका इस्तेमाल क्या रहेगा तो हम आ जाते हैं इस तरफ। आपको लेना है एक चाय वाला चम्मच सुबह शाम खाना खाने से 2 घंटा कब यानी पहले आपको लेना है, और ऊपर से दूध पी लें 1 कप या 1.5 कप, आप जितना मुनासिब समझते हैं। अल्लाह के फ़ज़ल करम से 21 दिन आप इस्तेमाल करके देखें, आपको 101% इसका रिज़ल्ट मिलेगा और आपके जितने भी जो समस्याएं जो मैंने शुरू में बताई हूँ अल्लाह के फ़ज़ल करम से सब ठीक हो जाएगी। और आजमुदा नुस्खा है, गारंटी शुदा है, बनाइए और इस्तेमाल करें। और फिर दूसरी वीडियो में इसी के साथ में हाजिर होंगे आपके सामने नए नुस्खे के साथ, नई जानकारी के साथ में। इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।